कि संस्कृत शास्त्रों के जितने भी जीवंत आपको शास्त्र पुस्तकें मिलती हैं, ग्रंथ मिलते हैं, उन सारे शास्त्रों का ओरिजिन ग्रंथ या ओरिजिन जो बीज है वो कश्मीर की देन है, जम्मू कश्मीर की देन है। और उस परंपरा के संरक्षण के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, स्थापन बोर्ड ने यह प्रकल्प 2010 में शुरू किया। इस उद्देश्य के तहत 2010 में श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल की स्थापना की गई। तो एक बार पूरा कैंपस देख सकते हैं जी, अवश्य आप मुझे बताइए कौन कौन सी क्लासेस हैं। अवश्य अवश्य। बच्चे हैं यहाँ पर कुल इस पूरे गुरुकुल में? जैसा कि मैंने आपसे बताया, छठी से लेकर के शास्त्री पर्यंत यहाँ पर 171 बच्चे हैं। अच्छा। कुल। तो प्राचार्य जी, मैंने देखा कि यहाँ पे खेल कूद का भी काफी प्रबंध किया गया है, यहाँ पर काफी ग्राउंड्स हैं बास्केटबॉल और बैडमिंटन के। जी जी जी। हमारे गुरुकुल में जैसा कि मैंने आपसे कहा, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य है। तो केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, हमारे बच्चे जो है वो खेल कूद में ही बड़े आगे रहते हैं। और वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, रेसलिंग हुआ, उन सभी खेलों में हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, उसमें स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे जो है वो गोल्ड इत्यादि मेडल जो है वो लाते रहते हैं। ये मंत्र पाठ चल रहा है, इस कक्षा में जाने के लिए हम चप्पल जूते उतार देंगे यहाँ पर। अच्छा जी, बच्चों का यहाँ पर मंत्र पाठ चल रहा है। ये देखिए स्वर संचालन चल रहा है। वैदिक परंपरा में हस्त संचालन का महत्व होता है, अर्थात कौन सा मंत्र किस स्वर में जो है वो है, उन सारे विषयों को यहाँ पर समावेश किया गया है। और हमारे आचार्य भी सबको करा रहे हैं, सातवीं कक्षा के छात्र हैं, सारे सुबुद्ध हैं ये। अभी जैसा कि आपने देखा, हमारे बच्चे जो है वो मंत्र पाठ कर रहे हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं स्मार्ट क्लास रूम में, जिसमें बच्चे जो है वो आधुनिक विषयों का अध्ययन जो है वो कर रहे हैं। आइए इस कक्षा में आपको हम जो है ले चलते हैं, जहाँ पर बच्चे गणित का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बच्चे जो है वो गणित पढ़ रहे हैं। ये हमारे गणित के अध्यापक हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। कंटिन्यू आप। तो और इसके बाद हम इसका वॉल्यूम की अगर बात करेंगे, तो वॉल्यूम हो गया कि इसके अंदर हम कितना मटेरियल डाल सकते हैं, कितना इसके अंदर जो मैटर वो कंटेन है, वो आपका वाटर भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पीते हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, उसके अंदर कितने ml आपकी कोल्ड ड्रिंक है, तो हम उसका कंपेयर। तो प्राचार्य जी, जैसे आपने अभी हमें अपनी गणित की कक्षा दिखाई, तो यहाँ पे मुझे लगा कि जो बच्चे हैं ये कहीं पे भी किसी आम स्कूल से कम नहीं है। आम स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, ये बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। तो क्या फ्यूचर है इन बच्चों का, आगे चल के ये भविष्य में क्या कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन रहती है कि अगर गुरुकुल का बच्चा है तो या तो ये पुजारी बनेगा या तो ये पंडित बनेगा। तो क्या मिसकंसेप्शन जो है ये हम लोगों की दूर कर सकते हैं इससे? जैसा आपने कहा कि ये मिसकंसेप्शन ही है और चूँकि हमारा विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध है और वहाँ पर NEP के तहत हमारे सारे पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं, उन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ से पढ़े हुए 12वीं पास किए हुए छात्र जो हैं वो आर्मी में गए हुए हैं, SSC के थ्रू उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर की हुई हैं, UPSC की तैयारी करते हैं हमारे बच्चे जो है वो शास्त्रीय कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में, स्टेट सर्विसेज में जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में हमारे बच्चे जाते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन ही है कि गुरुकुल का छात्र जो है वो केवल पुजारी बन सकता है या पंडित बन सकता है।
पुजारी भी बन सकता है, पंडित भी बन सकता है, वो आर्मी में भी जा सकता है, यूपीएससी की तैयारी करते हुए जो है वो अधिकारी बन सकता है। सभी रास्ते हमारे गुरुकुल के छात्रों के लिए खुले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है और भगवती की यहाँ पर आराधना करते हैं बच्चे। सुबह शाम का जो संध्या वंदन होता है वो यहीं पर बच्चे करते हैं, जिसमें सूर्यार्घ हुआ, आरती हुआ, मंत्र जाप हुआ, वो सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं, समाहित होती हैं। और अब मैं आपको ले चलूँगा यज्ञशाला की ओर, जहाँ पर जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि हमारे बच्चे जो है वो कर्मकांड, ज्योतिष इत्यादि का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रायोगिक ज्ञान है, वो भी जो है लेते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे आचार्यों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमारे गुरुकुल के छात्र ही एक यज्ञ जो है वो संपादित कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो यज्ञ जो कि बच्चों के द्वारा संपादित हुआ जा रहा है। अब मैं आपको भाषा प्रयोगशाला की ओर ले चलता हूँ, जहाँ के इंचार्ज आपको उसकी उपयोगिता के बारे में बताएंगे। आइए। नमस्कार सर, तो अभी आप ये भाषा प्रयोगशाला देख रहे हैं, हमारे यहाँ श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल में वर्ष 2015 से ये भाषा प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और इसमें ये था कि हमारे बच्चे अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं, और जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनको संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं रहता है, संस्कृत उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो संस्कृत में उनका उच्चारण कैसे ठीक हो और संस्कृत में उनकी भाषा में जो दक्षता, उच्चारण में जो दक्षता है वो कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमारे जो आदरणीय चेयरमैन सर थे उनका ये इनिशिएटिव था कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से भाषा की प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो यहाँ से दक्षिण में जाएँ या दक्षिण भारत में कहीं भी उनका जो वार्तालाप हो, तो कहीं ऐसा ना लगे कि उत्तर भारत के ये छात्र संस्कृत में इनका उच्चारण किसी प्रकार से ये पीछे ना रहें। तो उसके लिए भाषा प्रयोगशाला आप देख सकते हैं बच्चे किस प्रकार से जो है भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा में वार्तालाप करते हैं। तो ये संस्कृत भारती का हमारे पास पाठ्यक्रम है, उसका बच्चे निरंतर अभ्यास यहाँ पे करते हैं। आइए आपको हमारा पुस्तकालय दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पुस्तकालय में जो है छात्र अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, और हमारे पुस्तकालय समृद्ध पुस्तकालय है। तमाम तरह की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो फ्रेंड्स बुक हैं, वो सारी यहाँ पर विद्यमान है, और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर छात्रों को दी जाती है पढ़ने के लिए, और कभी भी छात्र आ करके यहाँ पर अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आपको मैं विज्ञान प्रयोगशाला की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर बच्चे जो है वो साइंस के इक्विपमेंट्स का जो है वो अवलोकन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये देखिए छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं हमारे ये। यहाँ पे कंप्यूटर का सेक्शन दिया था, एक कंप्यूटर लैब है हमारी, और इसमें हमारे पास अभी 20 कंप्यूटर हैं, और ये बच्चे जो हैं इसके बाद 6 से लेके ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर की क्लास चलती हैं। पहले हमारे पास जो सिलेबस होता है 10th तक, वो सिलेबस हमारा रहता है ये अपना NCERT वाला सिलेबस रहता है, CBSE वाला। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का CSU का सिलेबस है उसके थ्रू बच्चे पढ़ते हैं। Thank you.